नमस्कार, हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ है यहाँ पर पृथ्वीराज कुमावत। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि श्री पृथ्वीराज कुमावत जयपुर के एक प्रसिद्ध जेमस्टोन कार्वर हैं, जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। पृथ्वी जी, जेमस्टोन कार्विंग से अपने हाथों से बने अद्वितीय उत्पादों के लिए जाने जाते हैं। आप अपनी कला के द्वारा जयपुर की समृद्ध कला और संस्कृति को दुनिया भर में प्रमोट कर रहे हैं। आपके काम में पारंपरिक शिल्प की गहरी समझ और आधुनिक डिजाइन का अनूठा संगम देखने को मिलता है, जो न सिर्फ आपके समर्पण को दर्शाती है, बल्कि जयपुर की प्रतिष्ठित जेमस्टोन कार्विंग की धरोहर को भी सजीव बनाए रखती है। तो आइए जुड़ते हैं जेमस्टोन कार्विंग के क्षेत्र में अग्रणी पृथ्वीराज कुमावत जी से हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान के आज के इस एपिसोड में। पृथ्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं पृथ्वीराज कुमावत हूँ जयपुर से, और मैं जेमस्टोन कार्विंग का काम करता हूँ। उसमें प्रीसेस और सेम प्रीसेस जेमस्टोन्स में मैं कार्विंग करता हूँ। जी, तो पृथ्वी जी, सबसे पहले हमारे दर्शक जरूर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जेमस्टोन कार्विंग, जो कि जयपुर की एक अद्भुत कला है और जो दुनिया भर में जानी जाती है, इसकी शुरुआत कब और कैसे की आपने? देखिए, इसकी शुरुआत वैसे तो मैं ये काम बचपन से कर रहा हूँ, पर इससे पहले मैं सेंट्रल रोड में काम करता था। और मैंने जेमस्टोन का 2008 से मैंने शुरू किया था, 2008 से, और करीब 15-16 साल हो गए मुझे इसको करते। तो इसकी शुरुआत एक, जैसे कहते हैं ना, शौक के रूप में हुई थी या एक प्रोफेशन के तरीके से ही आपने की थी? आपकी शुरुआती दिनों में आपको जरूर कुछ ना कुछ, किस चीज ने आपको इसकी तरफ अट्रैक्ट किया? इसको अट्रैक्ट करने के लिए तो इसमें जो वैल्यूबल थिंग्स है या प्रीसियस है, या जो अपने आप में नगीनों का, जैसे हम देखते हैं कि जयपुर विश्व प्रसिद्ध हब है जेमस्टोन्स और ज्वेलरी का, तो जेमस्टोन से मुझे अट्रैक्ट किया। पहले मैं वुड पे करता था या सैंडल वुड पे करता था, तो जेमस्टोन ने ही मुझे अट्रैक्ट किया। इस पे वही चीज जो मैं लकड़ी में बनाता था या चंदन में बनाता था, वही चीज मैं जेमस्टोन में बनाना शुरू किया मैंने। और इसमें करीब मुझे 3-4 साल लगे सीखने में, और हर चीज को जब पूरा काम नया अलग हो गया, एक रॉ मेटेरियल कहाँ मिलता है, मार्केट में बिकता कहाँ पे है, बनता कैसे है, टूल्स कैसे हैं, वो सब चीज ये समझने में 4-5 साल लगे मुझे। बिल्कुल, किसी भी काम को शुरू जब हम करते हैं तो उसको समझने में, अपने आप को उसके हिसाब से ढालने में जरूर वक्त तो लगता ही है। मगर पृथ्वी जी, देखा जी गया है कि जयपुर में ये काम जो है वो काफी वक्त से होता चला आ रहा है और काफी सारा कंपटीशन भी है, क्योंकि जयपुर जी गढ़ है जेमस्टोन कार्विंग जी का, तो बहुत कुछ ऑलरेडी हो चुका है, हो रहा है, होता रहेगा। तो ऐसे में क्या आपको किसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा? कोई कंपटीशन बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा हो? और यदि था तो किस तरह से आपने अपने आप को उसमें आगे निकाला? देखिए, इसमें मेन थिंग है, अगर आपके पास में स्किल है तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं। आपके पास में स्किल है, दक्षता है, आप अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं काम के थ्रू, तो आपकी पहचान आराम से बन जाती है और आपको बेचने में भी आसानी होती है, क्योंकि वो अपने आप को दूसरों से अलग करती है। ये चीज जो आपकी खासियत है वो आपको दूसरों से अलग करती है, तो उसमें कंपटीशन ना के बराबर होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा मुझे दिक्कत नहीं आई। पर दिक्कत जब तक आप सही चीज, अच्छी चीज बनाकर अच्छी जगह नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा या अच्छी जगह नहीं बेच पाते हो, तो उसमें ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है पर उसकी वैल्यू आपको नहीं मिलती। जब तक सही प्लेटफॉर्म पे या सही जगह पे नहीं बेचोगे तो उसकी वैल्यू नहीं मिलती, तो वो ढूंढना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है इसमें। मार्केटिंग, हम मार्केटिंग बोले लफ्जों में, तो मार्केटिंग भी अपने आप को करना आना चाहिए। बनाने के अलावा एक स्किल मार्केटिंग की बननी चाहिए। जनरली आर्टिजन्स में मार्केटिंग की स्किल नहीं होती, आर्टिजन में स्किल तो होती है बनाने की, पर मार्केटिंग की स्किल नहीं होती। अपने प्रोडक्ट को बनाना, उसके बाद में उतनी ही स्किल से बेच पाना या सामने वाले को समझाना कि इसमें ये खासियत है, ये अपना एज ए सेल्समैन बहुत कमजोर पाते हैं हम लोग आज भी अपने आप। आपने बिल्कुल सही कहा पृथ्वी जी। ये देखा गया है कि आर्टिस्ट जनरली बहुत अच्छी मार्केटिंग नहीं कर पाते, क्योंकि उनका पूरा फोकस और पूरा ध्यान अपनी कला पर होता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि सामने वाले को भी समझाया जाए कि इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है, इसमें क्या चीज अलग है। और आपकी डिजाइन अगर हम देखते हैं तो काफी चीजें यूनिक नजर आती है, क्या आपके प्रोडक्ट्स अलग तरीके के हैं, कुछ
खास चीज, कला का कुछ खास नमूना हमें दिखाई देता है आपके प्रोजेक्ट्स में। तो पृथ्वी जी, आप जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जयपुर में है और जेमस्टोन गार्डन बहुत से लोग कर रहे हैं और बहुत से लोग करने की इच्छा भी रखते हैं, तो जानना चाहेंगे आपसे कि जेमस्टोन गार्डन सीखने में लगभग कितना समय लगता है, आपको कितना समय लगा, और इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या रही आपकी? देखिए, सीखने में तो अगर मैं कहूँ कि मैं अभी तक सीख ही रहा हूँ, तो आप जब तक काम करते हो जब तक सीख रही है, पर एक कम से कम जो सीखने का टाइम होता है कि आदमी अपना कर सके, उतना उजाला हो जाए कि उसका अपना काम चल सके, तो उसके लिए कम से कम 7-6 महीने तो चाहिए। उसके बाद में करता जाता है, आदमी सीखता जाता है। आज भी मैं कहूँ तो मैं सीख ही रहा हूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने के कोई अंत नहीं होता। जिंदगी भर सीखता रहता है, वो एक्सपीरियंस में प्लस हो जाता है। मैं मान लीजिए 10 साल से सीख रहा हूँ और 60 में मैं चल रहा हूँ, तो मुझे 50 साल का एक्सपीरियंस है। तो 50 साल का एक्सपीरियंस भी आपके मायने रखता है कि अभी तक आप सीख रहे हैं, तो उसमें और इम्प्रूव करना चाहते हैं। आप सेटिस्फाई नहीं होते तो और इम्प्रूव अपने आप को करते जाते हैं जब काम, या कहें कि हम बिल्कुल नगीनों को या मूर्तियों को तो पॉलिश करते हैं, पर अपने आप को भी पॉलिश करते जाते हैं। सही कहा आपने। इसको सीखना, अगर यदि कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट शुरुआत से इसको सीखना चाहे, तो लगभग उसको दक्षता हासिल करने में लगभग कितना वक्त लगता है? हालांकि ये चीज हर इंडिविजुअल अलग अलग होती है, सबके सीखने की स्पीड अलग होती है, लेकिन फिर भी क्या कितना कुछ है इसमें जिसे सीखने में कुछ एक आप वक्त बता सकते हैं कि इतना वक्त तो लगता ही है किसी को यदि दक्षता हासिल करनी हो? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कम से कम 6 महीने और साल भर तो चाहिए, 6 महीने से साल भर तो कम से कम चाहिए उसे कि अपना काम कर सके। उसके बाद में जितना सीख रहे उतना कम। प्रैक्टिस से और करते करते कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, जितना जी, आप करते हैं उसको। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो 3 से 4 साल का उनका डिप्लोमा या डिग्री का कोर्स होता है, पर हम उस पर नहीं जाके कि गुरु शिष्य परंपरा में जाते हैं, तो 6 से 1 साल तो कम से कम चाहिए। पृथ्वी जी, आपके प्रोडक्ट्स जब हम देखते हैं तो जैसे कि मैंने कहा, काफी यूनिक प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं आपके, जो दूसरों जी से काफी हद तक अलग है, और यही वजह है आपकी एक अलग ही पहचान आपने अपनी इस मार्केट में बनाई है। तो इन डिजाइन्स की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, डिजाइन्स की प्रेरणा तो हमें जो हमारे साथी कलाकार उनसे मिलती है, और जैसा कि आप हम लोग आपस में इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो इंटरनेट से बहुत सारे वर्ल्ड लेवल के आर्टिस्ट हैं या कलाकार हैं जिनकी कारीगरी या उनकी जेमस्टोन कार्विंग में देखता रहा हूँ। तो वो उसने मुझे काफी इंस्पायर किया अपने साथी कलाकारों से। जयपुर में भी जैसा कि हब है, मंडी है जेमस्टोन कार्विंग की, तो जो अच्छे कलाकार है, जो उससे सीनियर कलाकार है, उससे भी देखने को सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है उनके काम करने की। तो ये मेरा स्रोत रहा है और अच्छे से अच्छा अपना करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी खासियत या यूनिकनेस ये है कि मैं 1 ग्राम से लेकर मैंने 2.5 टन का पीस बनाया है जेम स्टोन कार्विंग। मिनिशियर में भी मास्टरी है, तो बड़े में भी मेरी मास्टरी। खास तौर से ज्वेलरी में, अगर मिनिशियर में बोले यूनिक में, मैंने एक रूबी का नेकलेस बनाया था जो पूरा जेमस्टोन से बना हुआ था, और अभी एक हार्ट बनाया स्कल्पचर जो 2.5 टन का था, अभी लास्ट महीने मैंने बनाया था, मई में। तो ये मेरी यूनिकनेस है कि मिनिएचर में भी मैं कर सकता हूँ तो बड़े में भी मैं कर सकता। ये वाकई खास आपकी, मैं कहूंगी, एक विशेषता है, क्योंकि देखा गया है कि बारीकी का काम जो लोग अच्छा करते हैं वो बारीकी का ही अच्छा करते हैं, और जो बड़े जी जेमस्टोन्स पे काम करते हैं वो बड़े को ही तराश पाते हैं, ज्यादातर जी ऐसा देखा गया है। तो ये वाकई बहुत ही यूनिक आपकी एक क्वालिटी है, एक मैं जी कहूंगी एक स्किल है, कि आप छोटा और बड़ा हर तरह के जेमस्टोन्स में कार्विंग उतनी ही अब सफाई और उतनी ही सुंदरता से करते हैं। यही खासियत मुझे दूसरों से अलग करती है। बिल्कुल, और यही वजह है शायद पृथ्वी जी कि आपको बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो कैसा जी लगता है जी आपको जब आपकी इस कला को इस स्तर पे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब आपको प्रशंसा मिलती है, तो कैसा लगता है आपको? देखिए, मैं ये बचपन से कर रहा था, 10 साल की उम्र से सीख रहा था मैं काम,
तो जब मैंने 23 साल, मात्र 23 साल का था, तो मुझे स्टेट अवार्ड मिला था लाल चंदन के लिए, लाल चंदन पर खुदाई के लिए। अवार्ड्स में भी देखे तो मेरी खासियत है कि 4 अवार्ड हैं मेरे पास में, स्टेट से लेके इंटरनेशनल तक, तो चारों अलग अलग कैटेगरी के लिए है। दूसरा अवार्ड मुझे मिला था 2004 के लिए, सैंडलवुड कार्विंग के लिए, जो नेशनल अवार्ड से थोड़ा एक स्टेप नीचे होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो अवार्ड नहीं होता, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू दिया जाता है। उसके बाद में 2004 के लिए मुझे मिला था ऑस्ट्रिच एक्शियल के लिए, उसमें लैंप बनाया था मैंने, ऑस्ट्रिच शत्रु कांडा आता है उसका खोल होता है, उस पर खोल पे मैंने जाली बना के लैंप बनाया था, उसके लिए मेरे को नेशनल अवार्ड मिला था। 2008 के लिए, सॉरी 2018 के लिए मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला, जो जेम स्टोन कार्विंग के लिए। तो चार जो नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड स्टेट से लेकर इंटरनेशनल तक, चारों अलग अलग स्टोन या कार्विंग पे या दक्षता पे मुझे मिले, जो अपने आप में भी यूनिकनेस है। इसके अलावा भी कई अवार्ड मिले हैं, विदेशों से भी मैंने वर्कशॉप की है, एक हांगकांग में वर्कशॉप की थी मैंने, वहाँ पे चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है, वहाँ भी मुझे डेमोन्स्ट्रेशन करने का मौका मिला था, और उसी कैंपस में उनका म्यूजियम बना हुआ है, वहाँ मैंने बैंगल बनाया था, और उन्होंने मेरे बनाकर गिफ्ट करके आया था वहाँ पे, वो डेमोन्स्ट्रेशन डिस्प्ले में लगा हुआ आज भी वहाँ। इसके कहना अलावा 3-4 मुझे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिला हुआ, जर्मनी से मिला हुआ, मलेशिया से, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल में 2 बार पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, वहां से भी मुझे सर्टिफिकेट्स मिले हुए। तो इस तरह से 4-5 मुझे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स मिले, और मैं करीब अपनी कला को 10-12 कंट्रीज में विजिट कर चुका हूँ, एग्जीबिशन लगा चुका हूँ। अभी लास्ट ईयर ही मैंने कजाकिस्तान में गया था, जो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की तरफ से एग्जीबिशन थी, उसमें मुझे सर्टिफिकेट भी मिला और अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला। तो ये सब सुन के मुझे लग रहा है पृथ्वी जी की कहीं ना कहीं ये सब कुछ परिणाम है आपके जुनून, आपके समर्पण का। तो क्या कोई खास चीज ऐसी है जो आपको प्रेरित करती है कुछ हटके करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए, इतना कुछ कर पाने के लिए? क्या चीज है जो आपको प्रेरणा देती है? बस वो ही है, अपने आप को दूसरों से अलग दिखाना या अलग करना, यही प्रेरणा देती है, या अच्छा करना। तो जब अच्छा करते जाएंगे तो अपने आप ही लोग जुड़ते जाते हैं, और आपको एप्रिसिएशन भी मिलता जाता है, लोग पसंद भी करते हैं आपके काम को, पसंद करते हैं, यही चीजें अपने आप को खासियत है और अलग, और पता भी नहीं चलता कि पीछे देखते तो पता नहीं चलता कि कितने आसानी से ये चीजें हो जाती। यानी जो पहचान रही है, जो जो अप्रिसिएशन मिल रहा है, वो अपने आप पे ही प्रेरणा का और मोटिवेशन का काम करता है कहीं ना जी, कहीं। जैसे आप एक सीढ़ी चढ़ते जाते हो तो और प्रेरणा मिलती है कि मैं आगे और एक सीढ़ी चढ़ूं, और वो पीछे मेरा सपोर्ट रहता है कि मेरे पीछे इतना मुझे सपोर्ट है। पृथ्वी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जेमस्टोन कार्विंग की दुनिया में आपके द्वारा बनाया गया सबसे यादगार प्रोजेक्ट कौन सा था? जैसे मैंने कहा कि अभी मैंने रिसेंटली पिछले महीने एक हार्ट स्कल्पचर बनाया है, जो 6 फीट लंबा था और करीब 3.5 फीट चौड़ा था, और उसका बेस था 2 फिट का, जो कि मार्बल का बना हुआ था, और जो हार्ट स्कल्पचर था वो रोज क्वार्ट्ज का बना हुआ था। तो अपने आप में जेम स्टोन्स का एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से जयपुर का बहुत बड़ा स्कल्पचर है, जो 6 फिट का बना हुआ था, और ये मैंने गेलेन मार्क, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके लिए बनाया था। उन्होंने इसको हार्ट डिजीज से रिलेटेड करके एज ए सिंबल के रूप में बनवाया, और वो कहीं डिस्प्ले किया उन्होंने मुंबई में। तो ये मेरे लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट भी है, और अचीवमेंट भी रहा है इसका, काफी कुछ नाम भी रहा मेरा उसके लिए। तो ये सबसे बड़ा मेरा प्रोजेक्ट है, अगर हम बड़े की बात करते हैं तो। छोटे में तो कई चीजें हैं मेरी, जो विदेशर में है तो वो तो काफी चीजें ऐसी। मुझे लगता है कि ये जो आपने बताया है, जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप वर्णन कर रहे हैं, इसमें खास बात ये है कि यहाँ एस्थेटिक्स तो है ही, सुंदरता कला तो है ही, साथ ही साथ सिग्निफिकेंस जी भी है कि जी ये दर्शाता है कि किस तरह से हम समाज को एक मैसेज दे सकते हैं कहीं ना कहीं। उसका भी इसमें खास जो चीज मुझे लग रही है वो ये है, इसीलिए शायद ये आपके दिल के काफी करीब भी है। वो हार्ट डिजीज को लेके एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, तो उसके लिए भी एक अपने आप में लगता है कि आप उससे जुड़े हुए हैं, आपकी चीज
किसी को एनवायरनमेंट या इनक्रेज कर रही है उस चीज को, तो वो अपने आप में भी एक आपके साथ में नाम जुड़ा है, तो अपने आप में बड़ी चीज हो जाती है। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने पृथ्वी जी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जयपुर जो कि जेमस्टोन कार्विंग का गढ़ है, आप जेमस्टोन कार्विंग के भविष्य को यहाँ कैसा, किस तरह से देखते हैं और इस क्षेत्र में नई पीढ़ी के लिए आपके क्या सुझाव? देखिए, इसमें काफी कुछ संभावनाएं हैं अभी जेमस्टोन्स को लेकर, क्योंकि आज से नहीं हजारों साल से हम इतिहास में जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हांगकांग में मैंने देखा था, अपने नॉर्थ इंडिया से वहाँ प्रोडक्ट थे डिस्प्ले में जो करीब 300 400 साल पुराने वहाँ रखे हुए हैं, इंडिया के बने हुए, चाइनीज और इंडिया के दोनों प्रोडक्ट्स वहाँ पे थे पुराने। जो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज बिजली है, पानी है, हर चीज अवेलेबल है। अगर हम 300 साल पीछे जाएंगे तो ना पानी हुआ करता था, ना बिजली हुआ करती थी। पानी तो खैर होता था, बिजली नहीं हुआ करती थी, और टूल्स और टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल नहीं थी। पर वो जो देसी टूल या देसी तरीका जो बनाने का था, उसमें कितना टाइम लगता था। अगर जब हम कहें कि आज 2 दिन में वो चीज बन जाती, तो वो 2 महीने लगते बनाने। ये जेमस्टोन हार्ड स्टोन होता है, उसकी कटिंग और बनाई पॉलिशिंग जो पूरा टोटली हाथ से आज हम करते हैं, तो पूरा मशीन वर्क होता है। करते हैं हम हाथ से ही है, पर मशीन टूल्स से यूज करते हैं। उस टाइम पे पूरा हैंड वर्क होता था, टोटली हम गए कि हैंडीक्राफ्ट होता था। तो उसका आज भी बहुत बड़ा स्कोप है। ज्वेलरी में अपने आप में जब हम यूटिलिटी आइटम बनाते हैं, तो वो बिकता भी है और उसकी डिमांड भी बनी। तो फ्यूचर ब्राइट है, इसमें कोई नहीं, बहुत संभावनाएं हैं काम करने के लिए। डिजाइनर्स आज बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ज्वेलरी डिजाइनर बना रहे हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा स्कोप होता है। इसके अलावा हम बनाते हैं प्रोडक्ट साथ में, जैसे देव देवतों की मूर्तियां बनाते हैं, कुछ डिस्प्ले आइटम बनाते हैं, तो दोनों तरह के आइटम बनते हैं उसमें। होम डेकोर भी हो गया और ज्वेलरी भी हो गई। इसमें ग्लास है, कप है, प्लेट्स है, तो यूटिलिटी आइटम भी। अगर हम यूटिलिटी आइटम बनाते हैं तो उसकी डिमांड ज्यादा रहती है, और ये उसको देखते हुए फ्यूचर ब्राइट ही। यानी कि अगर हम जेमस्टोन कार्विंग की बात करें तो सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं, जो कि सबसे पहले जो दिमाग में हमारे आती है वो ज्वेलरी आती है, बल्कि उसके अलावा यस डेकोर आइटम्स भी जो है वो एक अच्छा मार्केट उनका है, और आगे आने वाले वक्त में देखा जा रहा है कि इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ती ही जाएगी। दूसरा ये है कि शायद अगर हम, जैसे आपने कहा कि जेमस्टोन का नाम आते सिर्फ जनरली लोगों में ज्वेलरी का ही इमेज आती है, ज्वेलरी ही होती है जेमस्टोन के नाम पर। पर जेमस्टोन के नाम पे शायद जयपुर के बहुत सारे लोग भी नहीं जानते, क्योंकि जेमस्टोन में इस तरह की कलाकृतियां भी बनती है जो कि ज्वेलरी से रिलेटेड नहीं है, पर जेमस्टोन से बनती है। पृथ्वी जी, बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, और जेमस्टोन कार्विंग एक नाम सुनते ही जो दिमाग में एक छवि आती है वो एक सुंदर सी और बहुत ही अच्छी सी चीज की आती है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे आज इस बारे में जानकर। तो पृथ्वी जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन के इस इनिशिएटिव हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान से जुड़कर। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने मुझे इससे जोड़ा और मुझे अपनी बातें कहने का, और आपको भी मेरे बारे में जानने का मौका मिला। इसके लिए मैं हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान को धन्यवाद देना चाहूंगा। नमस्कार। जी, और हमारी शुभकामनाएं जैसे कि मैंने कहा पृथ्वी जी आपके साथ है, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहे और राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरी देश का, हमारे इस पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें, यही हमारी आपके लिए शुभकामनाएं है। धन्यवाद। धन्यवाद।